आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी शेयर या स्टॉक को जो आपने बाय या सेल करने का ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑर्डर को कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते हैं यहाँ स्टॉक का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहाँ होल्डिंग एक्सप्लोर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ होल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जितने भी शेयर स्टॉक है वो दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आपने यहाँ पे एंटर किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंसिल ऑल, तो यहाँ कैंसिल ऑल कर सकते हैं। जैसे कैंसिल ऑल करेंगे तो यहाँ कैंसिल ऑल कर सकते हैं क्योंकि एक जो शेयर स्टॉक है वो ओपन ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे ये भी एक ही ओपन ऑर्डर में है तो यहाँ पे कैंसिल ऑल कर सकते हैं। पर अभी मैं आपको बताऊँगा इससे पहले कि शेयर को जो स्टॉक है या आपने सेल डाला है या फिर बाय डाला है उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली इस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे स्टॉक जो है जिस नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये जो स्टॉक है ये अभी ओपन पोजीशन में नहीं है, तो जो भी ओपन पोजीशन में है उसी को आप कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, कैंसिल एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि सेल मार्केट प्राइस पर भेजना है तो आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस पर आप भेज सकते हैं, पर यहाँ पर अभी मॉडिफाई करना है तो यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करना है आपको यहाँ पे देखिए कितना एंट्री आपने डाला हुआ है उसकी जगह आपको चेंजेस करना है या फिर आपको जो प्राइस लिमिट में चेंज करना है तो यहाँ पे प्राइस लिमिट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे प्राइस लिमिट में चेंज करता था ओनली, और क्वांटिटी में चेंज करना है तो क्वांटिटी में चेंज करके यहाँ पे मॉडिफाई सेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मॉडिफाई ऑर्डर रिक्वेस्टेड जैसे डन करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड का ऑप्शन हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर दोबारा से ऑर्डर डिटेल में चेक करेंगे तो अभी यह क्या है सेल रेगुलर हो चुका है। तो इस तरह से आप भी किसी भी शेयर स्टॉक को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको कैंसिल ऑर्डर करना है तो यहाँ कैंसिल ऑल पे करके और आपके जितने भी शेयर स्टॉक है उनमें से मान लीजिए दो है तो दो में से कोई एक को करना है तो उस पर एक पे टिक करना है और कैंसिल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं या फिर किसी ऑर्डर को या मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कोई शेयर स्टॉक जो बाय किया हुआ या सेल किया उसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।